गुरु प्यारे सत्संग सतगुरु जी की महान बख्शिश करन तोई है खालसा साधना दिवस दियां लख लख बधाइयां जी। सो आओ बधाई का सबूत कलगीधर पातशाह जी इन्हां दे चरणां विच शीश नवा करके और गुरु प्यारे जो अपनी हाजरी है जिथे असी अपने नगर के गुरद्वारा साहब बैठे हाँ उत्थे गुरु प्यारे साहब श्री कीर्तगढ़ साहब की धरती आनंदपुर साहब अपनी हाजरी पाई। कोई भी रसना बाजी ना रहे जी दोवें हथ जोड़ करके आनंदपुर साहब की धरती का अपनी सुरत विच ख्याल करके इस सास ने गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी कृपा करन कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े ते बख्शिश करन रहमत करन अमृत की दात बख्शिश करन क्योंकि सतगुरु जी जिथे सरबंस दानी ने ते गुरु प्यार विच अमृत दे दाते ने उथे सतगुरु जी अमृत दे दाते भी ने क्योंकि सासे अज 325 साल पूरे जो सानू दात मिली है ना 325 साल 1699 तो लैके हुण तक 2024 तक ते सासन जी ये जो 325 साल का ते सतगुरु जी दा शुकराना करिए। सासे जदों देवतियां दे समुंदर अड़किया सी ना जदों समुंदर दा मथन कीता सी इहदे विचों 14 रतन निकले सन 14 रतन निकले सन ते सासे ने उस रतना दे विचों इक अमृत भी सी समुद्र के बच्चों जदों समुद्र में मथन किया गया उन्हें अमृत भी निकलिया तो जिहड़े राक्षस दैत सन सासन ने उन्होंने होर कोई चीज़ा दे दी गई उन्होंने हिस्से की आई सी आ जिहड़ी शराब है ना शराब भी निकली सी ये सासन मध सी जिहड़ा उन्होंने दे दिता गया तो जिहड़े देवते सी इन्हां नूं अमृत मिलिया हुण दैंता नूं पता सी भी ये जिहड़ा अमृत है जे इहनूं असीं पी लवांगे तो असीं अमर हो जांगे ये जो अमृत है ना जिन्होंने असं पी लागे तो असं अमर हो जाएंगे। तो सच नहीं देखो सतगुरु जी नाम का अमृत क्यों रखे अमृत भाव अमृत जिहड़ा कदे मरदा नहीं। तो सच नहीं देखो जे अज असं बाबा दीप सिंह याद करिए गज क्या कुछ सतनाम जे अज असं बाबा दीप सिंह याद करिए कि उस संसार को चले गए नहीं गए अज भी असं याद करते हैं ना जिंदा ने साढ़े मन में ने ना आपां नूं कहिंदे अमर शहीद भाई मनी सिंह जी ने बंद बंद कटाया बनाने कि सास जी वो अज चले गए नहीं गए अज भी उसनूं याद करदे आ। सास जी भाई मनी सिंह नूं जदों बंद बंद कट्टण लगे ना जदों बंद बंद कट्टण लगे ते कहिंदे वी जिहड़ा जलाल सी ना भज के आया भाई मनी सिंह नूं कहिण लगा वी तुसीं इंज करो केस कटा लो अपने ये जीवन के ना बार बार मिलना है सच की गल सुन वाली जरा ध्यान देना कह लगा भी ये जीवन के ना बार बार मिलना है तो केस कटा ला कोई नहीं अज कटा ला जान बाजे कोई दस दिन बाद फिर केस आ जाए केसा की कि गल केस फिर आ जाए तो फिर रख ले हूं तो बच जा हूं तो इन्हों की गल मन के केस रख ला दसा पंद्रह दिन बाद फिर केस रख ले बाद चेड़ा किसी ने पूछना है चला जाना तो फिर कड़ा किसी ने पूछना है सारे सामने भाई मणि सिंह जी कह लगे गल सुन आ कि गल करती मैनू हुक्म होया मैनू हुक्म होया मेरे प्यारे का मेरे प्रीतम का मेरे पिता का बंद बंद कटाण का तेन हुक्म होया बंद बंद कटण का मैं अपना फर्ज पूरा करा तू अपना फर्ज पूरा कर तू अपना आज का दराट है इनू तिखा कर लिया कि अंग कट दिया कि खुंडा ना हो जाए खराब ना हो जाए कहिंदा भी गल करदा तू जीवन की कहिंदा हो सकता है जीवन के द्वारा मिल जाएगा भाई मणि सिंह जी कहते ने जीवन के द्वारा मिल जाएगा पर मैनू ये नहीं पता भी मैनू मेरे जीवन के विच द्वारा मैनू कलगीधर बापू मिलना जां नहीं मिलना मैनू ये नहीं पता भी द्वारा मैं इसे धर्म विच जन्म लवां मैनू नहीं पता भी मैनू कलगीधर वर्गा पिता नहीं मिलना
जीवन ते बढ़ जाएगा कोई गल नहीं, पर देख मैं अपनी सिक्खी तो मुनकर नहीं हो सकता। माफ करना सत्संग जी, अज असी अपनी सिक्खी तो मुनकर एकदम हो जाते हैं। सत्संग जी मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिक्खी साड़ी किवें जाती है, असी वारदाना ते जाने हैं, असी सिख नहीं अखवास करते। सत्संग जी असी एकदा करके असी सिख नहीं अखवास करते। गुरु प्यारे सरदार किनू कहा जाता है, जिहदी सरदारी होंदी है। सरदार उन्हों कहा जाता भी जिहड़ा वड्डा वड्डा वीर आदमी होवे ना, उन्हों सरदार कहिंदे ने। सरदार गुरु बन जावां असी सिख नहीं बन सकते, क्योंकि साडे मनां दे विच जहर बड़ा भरिया पिया, साडे मनां विच जहर बड़ा भरा पिया। ते सत्संग जी अज लोड़ है सानूं बापू दी, अपने कलयुग पिता दी, जो सानूं सबक दी समझा गया उस गल नूं मान दी बड़ी जरूरत है। सत्संग जी अज वेखना सी, अज असीं दिन कहिड़ा मना रहे हां, वी साडे विच उह खालसे वाली गल है, उह सिक्खी वाली साडे विच गल है। ये बूटा लगा सत्संग ननकाणा साहब की धरती से, इहदियां जड़ां कित्थे आ के निकलियां, आनंदपुर साहब की धरती पर। महाराज ने सानूं केसां दी दात महसूस की, बड़ा प्यार है सतगुरु जी नूं केसां दे नाल। सतगुरु जी अपने रोमां दे नाल बड़ा प्यार करते सन। सत्संग जी पीर पुजू शाह नूं कंघा दिता सी ना, कंघा दिता सी ना, ते महाराज जी कंघा कर रहे सन केसां दे विच, केसां विच कंघा कर रहे सन। कहिंदा महाराज जी इंज करो, आ मैनूं कंघा दे दिओ। ते महाराज जी केस कंघे लगे कंघे दे विचों, कहिंदा ना महाराज केस कंघे ना, मैनूं केस भी अपने। अज वी संगतां दर्शन करदियां ने, सरोग चार सरोग सत्संग जी महाराज जी साढ़े ते ऐसे बख्शिश कर, मन बनाइए अमृत छकीए, गुरु वाले बनिए सिंह सिंह। जे सो चंदा उपरे सुन चले दार, ए ते चार हुंदिया होर बिन होर अंदार, बल्कि तर पातशाह ते तब सजा के बाज दी उठो कोई प्यारा, एक सीस दी लोड़ है। ते सत्संग जी भाई दया सिंह जी लाहौर को चल गए। सज विचार कर रहे सा, मन विच ख्याल आया, असीं आपां कहिंदे ने कि एक साल पहला आपां मन बनाईए, अपना दो साल पहला मन बनाईए, ते सासी भाई दया सिंह जी कहिड़ा मन बना के गए। ये गल सोचण वाली है, भाई दया सिंह जी गए ने, भाई धर्म सिंह जी ने, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, भाई गोबिंद सिंह जी गए ने। इन्हां नूं तां पता सी उत्थे आ सासी ये होवेगा, उत्थे साडा सीस कलम कीता जाएगा, सानूं अमृत दी दात मिलेगी। ये कोई मन बना के थोड़ा गए सी, ਸਾਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਸਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1569 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1569 ਈਸਵੀ 'ਚ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਸੰਗ ਸਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਸੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸਤਿਸੰਗ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਇਹ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਜਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਾਂਤ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਸੀ ਨੇ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਸੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁਮੇਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਸੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਸੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਸੀ ਜੀ ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ।
ना पानी का लाभ प्राप्त करो। सो परिवार ने सेवा की है जी, महाराज जी परिवार ने की सेवा कर पाओ।